अरे हेलोविन, ठीक है, मैं आप ही के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं, हेलोविन के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। हेलोविन भी चाहता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि हेलोविन एक्चुअली में है क्या। जब भी आप मतलब कि हेलोविन का नाम सुनते हैं तो आपको डर लगता है, ठीक है, भूतों का ख्याल आता है, हर जगह भूत होंगे, ये भूत से रिलेटेड त्यौहारों का फेस्टिवल होगा। क्यों क्यों भूतों का त्यौहार है ये, क्यों मनाया जाता है भूत का त्यौहार, क्यों मनाते हैं? तो ये सब इसकी कहानी भी, इसके पीछे की सच्चाई भी, हम चलेंगे उसकी ओर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेलोविन का मतलब क्या होता है। तो हेलोविन का मतलब जो होता है, हेलोविन को समझिए, हेलोविन का जो मतलब होता है वो होता है नाइट्स ऑफ 31 अक्टूबर, मतलब रात, मतलब 31 अक्टूबर की रात, जब 31 अक्टूबर की रात जब भूत लोग, जितने भी भूत डेविल एविल होते हैं, भूत लोग, शैतान लोग, विचेस, चुड़ैल लोग, वो धरती पर आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, उनको हम उस वक्त देख सकते हैं जो कि गर्मी और ठंड के बीच का मौसम होता है। और वह समय होता है जब हम गर्मी को अलविदा कह रहे होते हैं और ठंड का शुरुआत करते हैं, न्यू ईयर का आगमन होता है, न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं। हेलोविन क्यों मनाया जाता है? ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की जो आत्मा होती है उनकी शांति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। ये इंडियन फेस्टिवल नहीं है, ये वेस्टर्न फेस्टिवल है। जब इंडियंस, जो जो पितर पक्ष होता है इंडिया में, तो इंडियंस क्या करते हैं, ठीक है, अपने पितर पक्ष मनाते हैं, ठीक है, मतलब अपने घर के बाहर मतलब कुछ कुछ कार्यक्रम अनुष्ठान करते हैं, उनको खाना भोजन देते हैं, ठीक है, मतलब पूर्वजों को, उनकी आत्माओं को, उसी प्रकार से फेस्टिवल है। हम देखें तो इंडियन है, वो वेस्टर्न है। तो उसमें क्या होता है, जो पूर्वज होते हैं, जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी, ठीक है, जो स्वर्ग चले जाते हैं, ठीक है, तो उनकी आत्मा को शांति के लिए एक अनुष्ठान, एक कार्यक्रम, एक सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, जिसे हम हेलोविन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हेलोविन कहते हैं। तो ये मतलब मनाया जाता है, और ये त्यौहार जो है हर साल 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा इसे ईसाई लोग मनाना पसंद करते हैं। हेलोविन कब शुरू हुआ? हेलोविन आज से 16वीं शताब्दी पहले मनाया जाता था, जब यूरोप में सेल्टिक लोगों ने फसल के अंत में और नए साल की शुरुआत को संबोधित करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। आप लोग को जानते हैं कि सबसे बड़ा हेलोविन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सबसे बड़ा हेलोविन फेस्टिवल न्यूयॉर्क सिटी में मनाया जाता है, जिसे विलेज हेलोविन परेड के नाम से जानते हैं। क्या आप लोग बताएं, पूरी दुनिया में हेलोविन फेस्टिवल सिर्फ पश्चिमी देशों में ही मनाया जाता है और इंडिया में काफ़ी कम, क्योंकि इंडिया के लोग भूत प्रेतों से डरते हैं, जैसे कि USA, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आदि कई ऐसे देश हैं जहाँ इसे बड़े चाव से मनाया जाता है। और कई जो देश होते हैं उनके कई सारे गांव होते हैं, उनमें भी ये चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब हेलोविन फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, पम्पकिन के साथ इसका क्या लेना देना है? कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, उसके पीछे मनाने का, सेलिब्रेशन का जो एक कारण होता है, एक हिस्ट्री होता है, एक इवेंट होता है, कुछ कहानियाँ होती हैं, तभी हम उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो वैसा एक हेलोविन भी है, ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में दिवाली मनाते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई कहानी है, तभी हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसा ही हेलोविन के पीछे भी एक कहानी है, एक हिस्ट्री है, एक कारण है कि क्यों मनाते हैं। तो मनाते इसलिए इसको हैं कि भूतों प्रेतों से रक्षा के लिए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, हेलोविन जो है भूत प्रेतों से रक्षा के लिए मनाया जाता है। सब भूत प्रेत धरती पर आते हैं उस दिन, ठीक है, तो उनका स्वागत करते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनको हम देख भी सकते हैं, उनको दिखाया भी जाता है कि हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो हमसे डरे, तो इस कारण से ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि वो हमसे दूर रहें। जो पम्पकिन से इसका रिलेशन ये है, पम्पकिन से पहले शलजम को उपयोग किया जाता था इस फेस्टिवल में, ठीक है, सबसे पहले जब इसका शुरुआत हुआ, ये फसल है, ठीक है, अब उसकी जगह में पम्पकिन आ गया है। बाद में क्या हुआ, मतलब कि पम्पकिन को ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि पम्पकिन जो है मतलब सबसे ज़्यादा हर मौसम में और बड़ी इजीली वो ग्रो हो जाता था, सभी जगह उसको उगाया जा सकता था, सभी जगह उसकी खेती की जा सकती थी, अपेक्षा शलजम के। शलजम को उगाना थोड़ा मुश्किल था, हर जगह उसकी खेती करना संभव नहीं था, इस कारण से उसके स्थान पर पम्पकिन को श्रेय मिला और श्रेय दिया जाने लगा और उसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाने लगी। और लास्ट का पम्पकिन जो है साल का लास्ट का फसल होने के कारण, ठीक है, ये एक प्रकार से मतलब कि उनको भेंट हुआ, भूतों प्रेतों को भेंट दिया जाता था, उनकी शक्ल की, भूतों प्रेतों को भेंट दिया जाता था और उनकी शक्ल की आकृति इसमें बनाई जाती थी, इनको
मतलब कि खोखला कर, अंदर से खोखला कर देते थे, मोमबत्ती जलाते थे, तो अपने घरों के गेट के बाहर वो लोग सब रखते थे कि उससे मतलब भूत प्रेत शांत रहें और भग जाएँ, देखिए कि हमारा वेलकम भी कर रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं और सब अपने घरों के बाहर लगाएं, तो एक सुरक्षा कवच का काम करता था उससे, जैसे कि भूत प्रेत सब उसको देख के भाग जाएं, उनकी शक्ल का वो होता था पम्पकिन। ऐसा लोगों का मानना था कि पम्पकिन जो है वो खाने के लिए भी काम आता है और भूत भगाने के भी काम आता है और भूत को मतलब कि रिप्रेजेंट करने के भी काम आता है, सजाने के भी काम आता है, तो ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ये कल्चर परंपरा का एक हिस्सा बन गया और लोगों ने जब भी लोग फेस्टिवल मनाने लगे तो पम्पकिन को अपने साथ में मनाने लगे, ठीक है, इसलिए पम्पकिन का उपयोग इस फेस्टिवल में किया जाने लगा। तो बस यही कहानी थी हेलोवीन की। हर फेस्टिवल अपने जगह रेस्पेक्टेड है और हम चाहें तो किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डर है या भूतों प्रेतों का है तो हम क्यों करें और वो लोग कहते हैं हम कैसे नहीं करते, वो लोग करते हम नहीं करते। बस इसी प्रकार की जानकारी फैक्ट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल इज न्यू, ओके।